नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, बचपन से हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं, स्कूल जो है जहाँ हम पढ़ने जाते हैं वो विद्या का एक मंदिर होता है, और जो शिक्षक होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, वो भगवान से भी ऊंचा दर्जा उन्हें दिया जाता है। लेकिन स्कूल की अगर हम बात करें तो सरकार की तरफ से एक पॉलिसी है जिसमें गरीब बच्चे RTE, राइट टू एजुकेशन जिसे कहते हैं, उसके तहत कुछ बच्चों को एडमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, और सभी स्कूल वाले ऐसे करते हैं जिन गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त हैं। चर्चित स्कूल लखोटिया भुतरा विद्यालय है, ये काफ़ी चर्चित है, काफ़ी पुराना है, कई बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले। लेकिन सूत्र बताते हैं कि पिछले 12 साल से RTE राइट टू एजुकेशन अंतर्गत इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ। यहाँ के जो भी सोसाइटी के स्कूल चलाने वाले अध्यक्ष थे, सचिव थे, जो भी एक बॉडी थी, उन सब ने मिलकर 12 साल तक RTE के तहत बच्चों का एडमिशन तो लिया, लेकिन बच्चों के पेरेंट्स से इस बात को अनजान रखा कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में फ्री में पढ़ रहा है, यानी कि RTE सरकार के स्कीम के तहत पढ़ रहा है, और ये पेरेंट्स से छुपा करके पेरेंट्स से बच्चों की फीस लिया करते थे, और पेरेंट्स से तो फीस लेते ही थे, साथ साथ गवर्नमेंट से भी इनको पैसा मिलता था। और पिछले 12 साल से करोड़ों रुपए लगभग इन्होंने गबन कर लिया, यानी कि गरीब जो बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, RTE में नंबर उन्हीं का लगता है जो बच्चे गरीब होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उनसे ये लोग पैसा लेते रहे। कई ऐसे पेरेंट्स थे जो परेशान थे कि काश हमारा नंबर लग जाता तो हम अपनी मतलब जो भी वो इकोनॉमिकली जो है ख़राब उनकी कंडीशन होती है उनसे थोड़ा सा उभर के अपने बच्चों को पढ़ा पाते। लेकिन उन्हें क्या पता कि स्कूल के मंदिर में इस तरीके का करप्शन किया जा रहा है, उनके गरीबी का नंगा नाच स्कूल में किया जा रहा है, उनके शोषण किया जा रहा है। और सब कुछ सर, बड़े हैरानी की बात तो ये है कि जब ये बातें मामला उजागर हुआ, सामने आया, तो जो जिला परिषद के माध्यमिक शिक्षण अधिकारी हैं रविंद्र काटोलकर, उन तक बात पहुंची, उन्होंने इंक्वायरी बिठाया। इंक्वायरी बिठाने के बाद उन्होंने कहा जिनका पैसा आपने लिया है उनको वापस किया जाए। स्कूल ने कुछ लोगों का पैसा भी वापस किया, और बड़ी जाहिर सी बात है जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले हम किसी भी समस्या को लेकर के अपने नज़दीकी थाने जाते हैं, थाने में उसकी शिकायत करते हैं। दोस्तों, पुलिस अच्छा काम कर रही थी, सूत्र बताते हैं, इसके ऊपर में इंक्वायरी कर रही थी। लेकिन इसमें एक बड़ी हैरानी करने वाली बात यह है कि जो शिक्षण अधिकारी है माध्यमिक के, रविंद्र काटोलकर जिला परिषद के नागपुर के, वो उन्होंने एक पत्र लिखा कोंढाली थाना को कि ये मामला आपका नहीं है, इसलिए आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, इसकी जांच आप मत कीजिए, हम इसकी जांच करेंगे। अब जिला परिषद की तरफ से कुछ खास जांच नहीं की जा रही है, और पुलिस जो जांच कर रही थी उसको बंद करने की बात कह रहे हैं। मतलब पहली बार, मुझे नहीं पता इससे पहले कब क्या हुआ, लेकिन मैंने अपने जीवन में इस तरीके का पहली बार देखा कि किसी अधिकारी ने, अगर कोई सरकारी अधिकारी ही है और पुलिस का तो काम वैसे भी है जांच करना, अगर वो जांच कर रही है तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि उसके जांच में मदद कर रहे हैं, ना कि डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी रविंद्र काटोलकर ने उसको पत्र लिखा पुलिस को कि आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, आप इसकी जांच बंद कर दीजिए। ये बड़ी हैरानी वाली बात है कि कोई कैसे ऐसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उत्पन्न होता है कि क्या इस पर रविंद्र काटोलकर के ऊपर में क्या एक बड़ा प्रश्न चिन्ह नहीं लगता है कि वो जांच करने से मना कर रहे हैं, और खुद की जांच उनकी इतनी धीमी है कि सालों बीत गए उस पर कुछ नहीं हुआ, जिन पेरेंट्स का पैसा वापस किया गया। अब सोचिए कि 12 साल पहले किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चों का पैसा जमा किया होगा, आज 12 साल के बाद अगर किसी ने 10,000 रुपये जमा किया तो वो 20,000 आराम से हो जाएगा, क्योंकि 9 साल में तो सरकारी बैंक पैसे डबल कर देती है, इसका इंटरेस्ट होगा, पैसे डबल होते हैं, जो भी होगा, फिर वो पैसे कहाँ गए, लगभग डबल का गबन है। और इसके बाद रविंद्र काटोलकर बोलते हैं पुलिस को कि आप जांच मत कीजिए, ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि ये रविंद्र काटोलकर कौन है, इनका पिछला बैकग्राउंड क्या है, वो सब कुछ अगले एपिसोड में हम आपको लेंगे, जो बच्चों को, पेरेंट्स को न्याय दिलाने की बजाय जांच को रोकने की बात करते हैं। खैर, रविंद्र काटोलकर के बारे में हम अगली खबर आप तक लेकर आएंगे, और चर्चित स्कूल है लखोटिया भुतरा, इसकी खबर अभी यहीं समाप्त नहीं होती है, यह सिलसिला यहां से शुरू होता है, और आगे भी हम इसकी खबर आप तक लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें NBCA न्यूज, सच दिखाए बिना छुपाए। जय हिंद।